हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम देखेंगे गैटको यानी कि जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जानने से पहले गैटको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज हम गैटको फुल डिटेल में समझेंगे। ओके, उसकी हिस्ट्री, पर्पज़ क्या था, क्या उसकी सिग्निफिकेंस थी, क्या उसमें प्रिंसिपल्स थे, कितने मेम्बर्स कंट्री थी और उसको रिप्लेस किसने किया, पूरी डिटेल में हम कवर अप करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने सजेशन को कमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैट, गैट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इसके नाम से? ये एक अग्रीमेंट है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ओके, ये एक मल्टीलेटरल अग्रीमेंट है बिटवीन वेरियस कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच एक मल्टीलेटरल अग्रीमेंट था। ओके, या फिर कह लो मल्टीलेटरल ट्रीटी थी। ओके, चलिए। और इस अग्रीमेंट का पर्पस क्या था? नाम में देखिए, ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड, मतलब ट्रेड बैरियर्स को हटाकर, टैरिफ को कम कर इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। कब ये ट्रीटी साइन की गई थी? ये ट्रीटी 30 अक्टूबर 1947 को साइन की गई थी। कहाँ की गई थी? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ओके, कितने देशों ने इस अग्रीमेंट पर साइन किया था? तो 23 नेशंस ने इस अग्रीमेंट पर साइन किया था। और ये अग्रीमेंट कब इफेक्ट में आई थी? 1 जनवरी 1948 को ये अग्रीमेंट इफेक्ट में आई थी। और गैट ने कब तक वर्किंग में, ये कब तक थी? जब तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ गई थी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब आई थी? 1995 में। ओके, 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने गैट को रिप्लेस किया था। ओके, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिलहाल हम गैट को डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो देखिए, 23 फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे गैट के? ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, बर्मा, कैनेडा, काइलॉन, चिले, चाइना, क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर था, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है। ओके, लेबनन, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पाकिस्तान, साउथ रोडेशिया, सीरिया, साउथ अफ्रीका, यूके और यूएस। ओके, तो ये 23 फाउंडिंग मेंबर्स थी गैट की। चलिए अब देखते हैं हिस्ट्री क्या है गैट की, क्यों इसे लाया गया था, क्या उसका पर्पस था, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अधिकतर कंट्रीज़ की क्या हुई थी? इकनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, और उस टाइम पे ग्लोबल लेवल पे इकनॉमी को क्या करना था? रिकंस्ट्रक्शन करने की बहुत नीड हो गई थी। और इस डेवलपमेंट रिलेटेड टॉपिक पर ब्रिटेन वुड्स में क्या हुआ था? कॉन्फ्रेंस हुई थी। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस की वजह से क्या आया था? वर्ल्ड बैंक और IBRD आया था, वर्ल्ड बैंक या फिर कह लो उसे IBRD, या और साथ में कौन आया था? IMF आया था। कब आया था? 1944 में। और इसी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन भी प्रोवाइड किए गए थे, और यूके और यूएस ने एक प्रपोजल भी सबमिट किया था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में, किसके लिए? इंटरनेशनल ट्रेड बॉडी को सेटअप करने के लिए, जिसका नाम क्या था? ITO। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ट्रेड को इन्हेंस करना ज़रूरी था, इकोनॉमिक पोजीशन सारे देशों की बहुत बुरी हो चुकी थी, इसीलिए वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी लाने का सोचा गया। ओके, तो मार्च 1948 में UN कॉन्फ्रेंस में ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर रखा गया, और उसी पर सभी एग्री भी हो गए थे सारे कंट्रीज पर। क्या हुआ लास्ट में? देखिए कहाँ पे हुआ था ये कॉन्फ्रेंस? ITO का, ITO चार्टर का हवाना क्यूबा में। ओके, 1948 में। बट क्या हुआ? ITO चार्टर को रिफ्यूज़ कर दिया गया रेटिफाई करने से US ने। ओके, US ने इसे रेटिफाई नहीं किया, तो क्या हुआ? ITO एग्जिस्टेंस में कभी नहीं आ पाई। तो ITO के साथ साथ गैट को भी लाने की बात की गई थी, तो क्या हुआ? ITO तो एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया, क्योंकि ITI को रेटिफाई नहीं किया गया था, तो उसकी जगह पे 15 नेगोशिएटिंग
स्टेट्स ने गैट को लाया, जिससे कि क्या हो सके, अर्ली ट्रेडिंग प्रॉब्लम जो थी, ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम, टैरिफ रिलेटेड प्रॉब्लम, उसे कवर अप किया जा सके, उसे सॉल्व आउट किया जा सके. ओके, और उस टाइम पे क्या हुई थी, कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुकी थी, इसीलिए सबका ध्यान ITO से हट चुका था. ओके, तो ITO और गैट क्या था उस टाइम पे, ITO का फेलियर हो चुका था और क्या हुआ था, गैट आउटकम था 23 मेंबर्स कंट्रीज़ का. ओके, 23 मेंबर्स कंट्रीज़ का. तो गवर्नमेंट ने ITO को नेगोशिएट करने, जब नेगोशिएट करने लगे थे ITO को, तो गैट को भी इसी के साथ साथ लाने की बात की गई थी, और 15 नेगोशिएटिंग स्टेट्स ने भी उसे टैरिफ रिडक्शन का एक माध्यम माना था. तो क्या हुआ, ITO तो बना नहीं पर गैट रह गया, गैट को यूज़ में लाया गया. ओके, चलिए अब देखते हैं पर्पज़ क्या था गैट को लाने का. तो गैट का पर्पज़ क्या था, गैट को किस लिए लाया गया था, तो प्रीएम्बल क्या कहता है, गैट का प्रीएम्बल कहता है कि इसका पर्पज़ क्या था, सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर, मतलब टैरिफ को रिड्यूस करना, ट्रेड बैरियर को हटाना, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड को ईजी बनाया जा सके. ओके, गैट की इम्पॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस क्या है, तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद सभी देशों की जो इकोनॉमिक कंडीशन या फिर कह लो आर्थिक परिस्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी, वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान छोटे और बड़े सभी देशों को झेलना पड़ रहा था. गैट का लाने का यही मकसद था कि ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक रिकवरी की जाए. तो कैसे रिकवरी होगी, ग्लोबल लेवल पर ट्रेड को लिबराइज करने से, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन करने से. गैट को लाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि टैरिफ, कोटा और सब्सिडी को रिड्यूस कर इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाया जा सके. ओके, देखिए टैरिफ को रिड्यूस करना है, ट्रेड बैरियर को हटाना है, जितने भी प्रेफरेंसेस को एलिमिनेट करना है, और म्यूचुअल एडवांटेज बेसिस पे इंक्रीज करना है. ओके, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना है टैरिफ बैरियर्स को हटाकर. ओके, ट्रेड को बढ़ाना है. ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ऑब्जेक्टिव क्या है गैट को लाने का. तो पर्पस और ऑब्जेक्टिव सेम ही है, बट वो तो प्रीएम्बल की बात थी, मैंने उसे जैसे था प्रीएम्बल उसी तरह से आपको शो किया है. ऑब्जेक्टिव में हम अपनी भाषा में इसे डिफाइन करेंगे. चलिए, क्या है ऑब्जेक्टिव, रिडक्शन ऑफ बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड से बैरियर को हटाना, कम करना, रिड्यूस करना. इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी, इकनॉमी बढ़ेगी, अच्छी इकनॉमी होगी ग्लोबल लेवल पे, तो लिविंग स्टैंडर्ड सभी की ग्लोबली लेवल पर बढ़ेगी. इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट, सभी को फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बेरोजगारी घटेगी. ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ रियल इनकम एंड इफेक्टिव डिमांड, रियल इनकम की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होगी. डेवलपिंग ग्लोबली फुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है वो भी फुल्ली यूटिलाइज होगी. ओके, चलिए, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इंटरनेशनल ट्रेड अगर इंक्रीज होगा प्रोडक्शन भी तब इंक्रीज होगी, नहीं तो प्रोडक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. ओके, तो सभी का विस्तार होगा. ओके, तो ये सारी ऑब्जेक्टिव थी गैट की. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं गैट की मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन राउंड. तो इसकी जो मीटिंग होती थी राउंड, इसे कहते थे मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन राउंड. देखिए उसमें एक एक टॉपिक को लिया जाता था, सब्जेक्ट कवर की जाती थी. चलिए देखते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आने से पहले 8 राउंड्स हो चुकी थी. तो फर्स्ट कब हुई थी, जनेवा स्विट्ज़रलैंड में. तो कब हुई थी, 1947 अप्रैल को. ये राउंड कितने ड्यूरेशन की थी, 7 मंथ्स की थी. कौन से सब्जेक्ट कवर किए गए थे, टैरिफ कंसेशन. ओके, और सेकेंड कहाँ हुई थी, NSC में. और कब हुई थी, अप्रैल 1949 को हुई थी, 5 मंथ की ड्यूरेशन थी. इसमें का भी क्या था, सब्जेक्ट टैरिफ रिडक्शन, टैरिफ को कम करना. थर्ड हुई थी टॉर्कवे में, कहाँ पे, कब से स्टार्ट हुई थी, सितंबर 1950 से, 8 मंथ के लिए चली थी. तो इसका क्या मोटिव था, टैरिफ को कवर करती थी, और इसे गैट को एक गवर्निंग वर्ल्ड बॉडी के रूप में भी इस्टेब्लिश की गई थी. उसके बाद कहाँ हुई थी, उसके बाद जेनेवा में हुई थी, 4th वाली, जनवरी 1956 को, 5 मंथ चली थी. तब जापान ने गैट में एडमिशन लिया था, मतलब जापान भी इसमें शामिल हुई थी, और टैरिफ तो मेन मोटिव था ही. उसके बाद 5th कहाँ हुई थी, डिलोन में, सेप्टेम्बर 1960 में, 11 मंथ की ड्यूरेशन थी. और क्या क्या हुआ था,
क्रिएशन हुई थी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की, साथ ही टैरिफ तो था ही। कैनेडी में नेक्स्ट हुई थी मई 1964 को और ये 37 मंथ्स के लिए चली थी। इस पर भी सब्जेक्ट कवर की गई थी टैरिफ रिलेटेड। उसके बाद टोक्यो में हुई थी 7th वाली सितंबर 1973 को, कितनी मंथ्स तक चली थी, 74 मंथ्स के लिए चली थी। टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर्स ये इसके सब्जेक्ट थे। तो उरुग्वे राउंड जो थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसी का क्रिएशन है, इसी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लाने की बात की गई थी। ओके, तो ये कब हुई थी, सितंबर 1986 में, और देखिए इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, सबसे लंबी ये चली थी 87 मंथ्स के लिए। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट कवर किए गए थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जाएगा, टैरिफ नॉन टैरिफ मेजर्स को देखा गया था, रूल्स जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड थे, डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड्स को और भी अधिक पावरफुल बनाया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा कौन से एरियाज़ में, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर रिलेटेड और सर्विस इंडस्ट्रीज़ में। ओके, तो ये सारे सब्जेक्ट जो उरुग्वे राउंड में कवर अप किए गए थे। ओके, चलिए गैट की कन्वेंशन और प्रिंसिपल्स को देखते हैं, गैट की कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ओके, चलिए देखते हैं, तो जो गैट की प्रिंसिपल्स हैं उसमें क्या क्या हैं। तो गैट की प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट फेवर्ड नेशन। इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या कहा गया है कि गैट की जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ है या फिर कह लो मेम्बर्स को, सब मेंबर्स के साथ सेम तरीके का बिजनेस करना होगा, सभी के साथ सेम रूल्स और गाइडलाइंस होंगे। मतलब अगर किसी को उसने एक नेशन को दूसरे नेशन ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है, कुछ कंसेशन दी है टैरिफ में, तो सारे जो भी मेंबर्स है गैट की सबको सेम टैरिफ में छूट देनी पड़ेगी। ओके, तो यही थी गैट की मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटमेंट प्रिंसिपल। ओके, आप देखेंगे रेसिप्रोसिटी। इस प्रिंसिपल के हिसाब से हर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के मार्केट एक्सेस कर सकता है, बट उसका भी एक ऑब्लिगेशन है कि वो अपने ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री को ट्रेड कॉन्सेशन प्रोवाइड करे। मतलब एक हाथ लो और एक हाथ दो, रेसिप्रोसिटी मतलब एक हाथ लो एक हाथ दो। अगर कोई देश दूसरे देश को कुछ कंसेशन दे रहा है, कुछ टैरिफ में छूट दे रहा है, तो दूसरे देश को भी मार्केट एक्सेस करने का चांस उसे देना पड़ेगा। थर्ड है ट्रांसपेरेंसी, जितने भी ट्रेड रिलेटेड मतलब रूल्स और गाइडलाइंस है किसी कंट्रीज़ के, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ओके, हर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए ट्रेडिंग रिलेटेड। बस कुछ स्पेसिफिक जो सेक्टर है इसे कवर अप नहीं करता था वो, गैट एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल, ओके, और सर्विसेज, ये तीनों को छोड़ के बाकी हर चीज़ों में कोटास की लिमिटेशन लगाई गई, उसके यूज़ को लिमिटेड कर दिया गया। ओके, तो ये भी एक प्रिंसिपल थी। अब फोर्थ है टैरिफ बाइंडिंग एंड रिडक्शन। जब गैट को इस्टेब्लिश किया गया था तब ट्रेड प्रोटेक्शन और नेगोशिएशन किसके थ्रू किया जाता था, टैरिफ के थ्रू ही मेनली किया जाता था। ओके, टैरिफ को बढ़ाकर क्या किया जाता, अपने कंट्री के ट्रेड को प्रोटेक्ट किया जाता था। पर गैट का फोकस क्या था कि ओवरऑल ग्लोबली इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिले, इसीलिए टैरिफ को रिड्यूस करना ये प्रिंसिपल इसमें शामिल था। ओके, जिससे कि ट्रेडिंग को इंक्रीज की जाए ग्लोबली। ओके, चलिए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन गैट एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो गैट को हमने देखा, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, बट मैं इसे थोड़ा बहुत आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे गैट होगा, गेट नहीं, ओके, ध्यान रखिएगा, गेट होगा, गैट होगा। ओके, चलिए, तो ये क्या था, ये जस्ट एक प्रोविजनल नेचर का था, परमानेंट नेचर का नहीं था, ये एग्रीमेंट था। आपको पता ही होगा, मैंने आपको अभी बताया कि ये एक एग्रीमेंट था, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था। बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नाम में ही है ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है, परमानेंट नेचर का है, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये परमानेंट है। गैट में जो मेंबर्स होते थे इसे क्या कहा जाता था, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहा जाता था, बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हम मेंबर्स कहते हैं। ओके, तो गैट में जो डील होती थी सिर्फ ट्रेड में, गुड्स में ट्रेडिंग होती थी उसी में ये डील करता था, बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ओनली गुड्स को कवर अप नहीं करता है बल्कि सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी ये कवर अप करता है। गैट क्या था, लेस पावरफुल था, जिसे कि और इसकी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी बहुत स्लो थी, लेस इफिशियंट थी। ओके, बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन था
और ट्रेड डिस्प्यूट जो इसकी सिस्टम है, सेटलमेंट है, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू गैट। ओके चलिए, तो ये सारे हो गए डिफरेंसेस गैट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। इसीलिए गैट को रिप्लेस कर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया था। चलिए अब देखते हैं रीज़न क्या था जो कि फेल हो गया था गैट। ओके, गैट क्यों फेल हुआ था अब हम जानेंगे। तो गैट कितने साल चली थी? 47 ईयर्स तक चली थी। उसके बाद आई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो 1950 से 60 के बीच वर्ल्ड ट्रेड में गैट ने बहुत हेल्प आउट भी किया था। 8% तक इसने बूस्टअप भी किया था। कितने परसेंट तक बूस्टअप किया था? 8% तक बूस्टअप किया था। और गैट के आने के बाद क्या हुआ था? बहुत मतलब कॉम्बिनेशन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को प्रमोट किया गया था। इस लैंग्वेज को जानने से क्या हुआ? बहुत सारे देशों ने इसे अपनाया, इससे कि लेस डेवलप कंट्री को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला, दूसरे देशों की ज़रूरत को समझने का मौका मिला, वहाँ की मार्केटिंग नीड को समझना भी पॉसिबल हो पाया। पर बहुत सारी वजहों से क्या हुआ, गैट सफल नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कम टैरिफ की वजह से कई डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी बर्बाद हो चुकी थी उसके कारण से, और उस डोमेस्टिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी अराइज हो गई थी। गैट कोई सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम भी टैकल नहीं करता था। ओके, और ये टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर की लीगल प्रॉब्लम को भी हैंडल नहीं करता था। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी कवर अप नहीं करता था। साथ ही इसकी जो डिस्प्यूट जो मैकेनिज्म थी ये सॉल्व नहीं कर पाता था, बहुत स्लो था, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। ओके, यही रीज़न था कि गैट को पहले उसके बाद रिप्लेस किया गया। गैट क्या था आफ्टर ऑल? एक क्या था, रूल्स या फिर मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था। इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेस नहीं था, इसीलिए इसकी जो बॉडी थी ये उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या थी, गैट की जो वर्किंग है मानी गई है कि वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के फेवर में थी, इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ ने इस पर विश्वास खो दिया था और उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आई थी। ओके चलिए, तो ये क्लास आज ख़त्म होती है गैट रिलेटेड। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर आउट यहाँ पे कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लाऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।